हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। एस जयशंकर ने कहा, दूसरों के आंतरिक मामलों पर बोलने को ईश्वर का दिया अधिकार मानते हैं पश्चिम के देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के संबंध में जर्मनी व अमेरिका के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों को अन्य देशों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है और दूसरों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने को वे ईश्वर का दिया हुआ अधिकार मानते हैं। दिल्ली समेत चार शहरों में आईपीएल मैचों के दौरान सीएए एनआरसी विरोधी बैनरों की अनुमति नहीं। एक एडवाइजरी के अनुसार चार शहरों दिल्ली, मोहाली, हैदराबाद और अहमदाबाद में आईपीएल मैच देखने गए दर्शकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी विरोधी बैनर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विभिन्न फ्रेंचाइजी ने ये एडवाइजरी जारी की है जो घरेलू मैचों की टिकट बिक्री का प्रबंधन करती है। बिहार के नालंदा में इंटरनेट सेवा पर रोक को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया। खबर है कि बिहार सरकार ने नालंदा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जिले भर में इंटरनेट सेवा पर रोक को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्व अफवाहें फैलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक भी की थी। नीतीश कुमार ने पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा है। सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती से भारत में महंगाई पर पड़ सकता है असर। खबर है कि सऊदी अरब ने बाजार को स्थिर करने और कीमतों को बढ़ाने के लिए 2023 तक तेल उत्पादन को 5 लाख बीपीडी तक कम करने की योजना बनाई है। यह अमेरिका के साथ संबंधों को तनाव दे सकता है और जनता के लिए परिवहन लागत को प्रभावित कर सकता है। भारत की मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। आरबीआई ने फरवरी में 6% ऊपरी सीमा और 6.44% औसत दर निर्धारित की। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जीपीएस से लैस बाइक टैक्सियों के लिए 5 नियम किए पेश। दिल्ली सरकार ने ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करने के लिए बाइक टैक्सी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में बाइक का कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बाइक में जीपीएस लगवाना होगा। सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए ही यात्री बुकिंग कर सकेंगे। चालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा और चालक को लाइसेंस के साथ बाइक टैक्सी का परमिट लेना होगा। ट्रेन की चादर तकिया कब धुली है? क्यूआर कोड स्कैन कर मिनटों में जान सकेंगे अब यात्री। इंडियन रेलवे बेडरोल पैकेट पर क्यूआर कोड उपलब्ध कराएगा। बेडरोल पैकेट पर क्यूआर कोड यात्रियों को ये पता लगाने की अनुमति देगा कि उनका बेडरोल पहले से ही धोया गया है या नहीं। इस सुविधा से कंबल, तौलिया और चादरों की सफाई के बारे में यात्रियों से प्राप्त कई शिकायतों को नियंत्रित किया जा सकेगा। पापुआ न्यूगिनी में 7.3 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी हुई जारी। पापुआ न्यूगिनी में 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद तिब्बत के सीजंग शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पापुआ न्यूगिनी में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र तटीय शहर वेवॉक से 97 किलोमीटर दूर था। अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।